वरुण गांधी जो सांसद तो भारतीय जनता पार्टी के हैं लेकिन लंबे समय से सरकार पर ही हमलावर होते हुए दिख रहे हैं, चाहे फिर वो बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो या फिर खेती किसानी का, गंगा सफाई का मामला हो या फिर विश्वविद्यालयों में फीस वृद्धि का। लेकिन अब वरुण गांधी चुप चुप नजर आ रहे हैं, लेकिन हम ऐसा कह क्यों रहे हैं अब आप वो भी जान लीजिए। तमाम मुद्दों पर वरुण गांधी या तो लोगों से बात करते थे या तो ट्वीट करके सवाल खड़ा कर देते थे, लेकिन पिछले एक महीने से वरुण गांधी के ट्विटर अकाउंट को देखें तो वे खामोश नजर आते हैं। ऐसे किसी भी मुद्दे पर उनका ट्वीट नहीं दिखता जहां वे सरकार या अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हों। अगर वरुण गांधी के कुछ ट्वीट्स को देखें भी तो पिछले एक महीने में सिर्फ दो ट्वीट उनके अकाउंट पर दिखते हैं। एक ट्वीट में वे अपनी आने वाली किताब द इंडियन मेट्रोपोलिस के बारे में बता रहे हैं, तो वहीं दूसरे ट्वीट में वे इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपे अपने किताब को लेकर आर्टिकल के बारे में लिखते हैं। लेकिन पिछले 13 जनवरी के बाद से कोई अन्य मुद्दों पर उनके ट्वीट नजर ही नहीं आते। जब हम पिछले एक महीने के घटनाक्रम को देखें तो इस दौरान एक दिलचस्प घटना नजर आती है, वो है उनकी मां और सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होना। ये मुलाकात जनवरी में 20 तारीख को मुख्यमंत्री योगी के आवास पर होती है। इस मुलाकात में मेनका गांधी के साथ ही सुल्तानपुर से भाजपा के सभी भाजपा विधायक भी मौजूद होते हैं। विधायकों की इस लिस्ट में विनोद सिंह, राज प्रसाद उपाध्याय, सीताराम वर्मा और राजेश गौतम के नाम शामिल रहते हैं। लेकिन मेनका गांधी की योगी से पिछले महीने की मुलाकात की अब फिर एक बार चर्चा होने लगी है, क्योंकि सियासी गलियारों में अब ये चर्चा होने लगी है कि मेनका गांधी की मुलाकात के बाद ही वरुण गांधी ने अपने तेवर कम कर लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक तर्क ये भी है कि वरुण गांधी इन दिनों अपनी किताब द इंडियन मेट्रोपोलिस को लेकर भी व्यस्त बताए गए हैं। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा तो यही है कि क्या वरुण गांधी भाजपा के साथ ही अपने आगे की राहें पक्की कर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से वरुण गांधी की कांग्रेस में जाने की चर्चा तेज हुई थी, उस पर राहुल गांधी ने बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया देते हुए वरुण गांधी की विचारधारा पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक भी कहने लगे थे कि वरुण गांधी अब राजनीतिक भंवर में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, कि दूसरी पार्टी में अपना ठिकाना पक्का किए बिना ही अपनी पार्टी में ही बगावती रुख अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन वरुण गांधी ने अब राजनीतिक हवा का रुख भांपते हुए अपने बयानों को विराम दे दिया है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वरुण गांधी वापस इसी मोड में नहीं लौटेंगे। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले दिनों में वरुण गांधी क्या कुछ राजनीतिक स्टैंड लेते हैं। फिलहाल ये था अब तक का न्यूज अपडेट। तो यूपी से जुड़ी ऐसी खास खबरों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।